मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी दुआओं की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का अनुराधा सिंघानी ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है दोस्तों, मैं पूजा कर ली हूँ और आज मैंने शुरुआत किया है भगवान जी से, क्योंकि मैं कभी आगे कभी पीछे कभी ऐसे कभी वैसे मैं शुरुआत करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं भगवान जी के साथ में ही शुरुआत करती हूँ। आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, तो ये देख लीजिए आप लोग भगवान जी का आशीर्वाद। भगवान जी भोलेनाथ और माता रानी आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, साथ साथ में हमारे ऊपर भी बनाए रखें। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भोलेनाथ का नाम लेकर के फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ और आगे आगे वीडियो एंजॉय करिएगा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे निकाल ली हूँ अपने लिए नाश्ता। और पराठा बनाई हूँ और आलू मटर की सब्ज़ी, और यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि आज मेरे सर में ना खुदा नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है प्लेट में अपना, लगा लिया है नाश्ता और चाय भी बना रही हूँ। चाय बन जाएगी तो फिर लेके जाऊँगी, खाऊँगी और चाय पीऊँगी। आज मेहंदी मैं लगा जब भी लेती हूँ सर में ना, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है वहाँ, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो सुबह मैं एक बार पी थी चाय, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार और पी लूँगी तो हो सकता है राहत मिल जाए और फिर मैं सोऊँगी, तब जाके थोड़ी सी मेरी सर जो है हल्का होगा, बाम लगा करके सो जाऊँगी, क्योंकि मेरी नींद भी अच्छे से नहीं पूरी हो पा रही है और रात में नींद नहीं लगती है पता नहीं क्यों। तो आज भी दोपहर में सोऊंगी, नींद बहुत तेज आ रही है दोस्तों। तो खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर सोएंगे, एक दो घंटा तब उठेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है हमारे साथ, हमें यानी भी आने वाली हैं, समय हो गया उनका भी आने का। तो जब आती हैं तो फिर उनसे आपको मिलवाऊँगी दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी चाय पी बन रही है, और किस किस को चाय ज़्यादा पसंद है, अभी इस टाइम चल रहा है रमज़ान का महीना, और आप सभी लोगों को जो रमज़ान रखते हैं रोज़ा, आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। भगवान और अल्लाह सबको खुश रखें। तो फ्रेंड्स सुबह हो गई है, मतलब नेक्स्ट डे हो गया है, और आज फिर से मैं वीडियो कल थोड़ा सा शूट की थी, 2 मिनट का क्लिप रहा, आगे देखे होंगे आप। और अभी से मैं दूसरे नेक्स्ट डे में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को, और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों सुबह हो गई और मैं आ गई हूँ किचन में, और ये देखिए मेरा बन रहा है सब्ज़ी। तो आज मैं कुछ बनाऊँगी खास, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और सुबह वाली चाय पी रही हूँ और गर्म पानी मैंने पी लिया है, तो सोचा क्यों ना अपने वीडियो का स्टार्ट कर देती हूँ। कल थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाई थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी भी मैंने तेल लगाया है, लेकिन आज हेयर वॉश करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा हेयर वॉश कर लेंगे ना तो मेहंदी जो लगी है बालों में, तेल लगाया था, फिर तेल लगाने के बाद भी मेहंदी जो लगी रहती है बालों में ना, तो उससे थोड़ा सा सर भारी रहता है। तो कल मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, मैं सो गई थी नाश्ता करने के बाद, फिर शाम को उठी, फिर ऐसे तैसे करके काम कर लिया, लेकिन फिर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मैं कुछ और करूँ, फिर मैं सो गई थी। तो अभी आज मेरी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अच्छा बनाते हैं खाने में और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ, मैं क्या बनाती हूँ तो मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। आप भी आ जाइए हमारे साथ सुबह सुबह की चाय पीने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह में आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मैं मसाला भी भून रही हूँ, मसाला अच्छे से भुना भी गया होगा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बाटी बोले तो चने की बाटी। ये देखिए चना मैंने पीस लिया था रात में ही, लहसुन मैंने छील लिया था रात में ही, प्याज मैंने छील लिया था रात में ही, मिर्चा धुल ली हूँ मैं सुबह में। तो अब कट करके इसमें सारी चीज़ें डाल लेती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे, ठीक? तो फ्रेंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ी, और यहाँ मैंने बॉयल करके रखा है बाटी को, देखिए अभी इसको छानना है। इसमें बॉयल किया था भगोने में, और थोड़ा सा पूड़ी भी बना दूंगी अनी के लिए, क्योंकि अनी बाटी नहीं खा पाती हैं। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी, थोड़ा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि उधर साइड में रख दी थी ना, भगोना बहुत गर्म है तो इसीलिए साइड में रख दी थी, हाथ हाथ ना जल जाए मेरा। तो ठीक है फ्रेंड, बना लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे, बन रही है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरी बन गई है बाटी, ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट। और यहाँ पे बनाई हूँ मैं थोड़ा सा पूड़ी,
और ये बन रही है मेरी चाय और ये है मेरी सब्जी। तो मेरी बाटी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बाटी बनी हुई है, अगर इसे कस के थोड़ा सा और दबा देंगे तो ये टूट जाएगी, लेकिन दबाएंगे नहीं। तो आप कैसे बनाते हैं, और इसके भगोने के अंदर भी है, मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ, मैं थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ, ज़्यादा बनाई हूँ दोस्तों तो इस भगोने के अंदर है। और रानी बाटी नहीं खाती है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा पूड़ी बना दी हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, और मैं भी खा लूँगी पूड़ी, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलते हैं चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।